हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी क्रिएटर आकाश। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू इंस्टॉल रिमिक्स ओएस ऑन लो एंड पीसी, जिससे आप पबजी मोबाइल आपके पीसी लो एंड पीसी पर भी खेल सकते हैं। लेकिन कुछ यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ वो वीडियो बनी थी, इसलिए मुझे वो वीडियो अभी रिमूव करनी पड़ी। उसमें 93K प्लस व्यूज़ भी आ गए थे, लेकिन मुझे वो डिलीट करनी पड़ी। हाँ, तो मैं आज वैसे ही एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको पूरी तरीके से रिमिक्स वॉइस कैसे इंस्टॉल करना है वो बता दूँगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए उस पर क्लिक, फिर आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जिसमें आप अगर आपका पीसी 32 बिट पे होगा या फिर 64 बिट पे अकॉर्डिंगली। अगर आपका 32 बिट पे प्रोसेसर है तो आपको 32 बिट वाली फ़ाइल डाउनलोड करनी है, और अगर 64 बिट वाली फ़ाइल डाउनलोड करनी है। जो आप फाइल डाउनलोड करेंगे वो जिप फॉर्मेट में रहेंगे, तो आपको विनरार या विनजिप ऐप यूज़ करके वो फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपको दो फाइल मिलेंगी, एक ISO फॉर्मेट में रहेंगे और दूसरी इंस्टॉलर रहेगा रिमिक्स ओएस का, उस पर लोगो आएगा। और आपको उस इंस्टॉलर पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। उस बॉक्स में आपको ब्राउज पे सिलेक्ट करना है, और जो फाइल आपने ISO फाइल डाउनलोड की थी उसे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ड्राइव सिलेक्ट करना है, उसमें अगर आपको आपके पास 3.0 USB होगा तो आप उस पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर लोकल ड्राइव पे कर सकते हैं। मैंने तो लोकल ड्राइव पे ही किया था, उसमें अच्छे से रन होता था। अगर आपको लोकल ड्राइव का पार्टीशन करते आता होगा तो 32 GB या 40 GB तक एक पार्टीशन कर लेना, और वो ड्राइव पे रिमिक्स ओएस इंस्टॉल कर लेना। वो ड्राइव सिलेक्ट कर लेना नीचे, जो भी आपने नई पार्टीशन बनाई होंगी उसमें। उसके साइड में आपको आपके ओएस का इंटरनल स्टोरेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, उसमें आप 16 GB या 32 GB कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो करने के बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे सिलेक्ट करते हैं, 2 से 3 मिनट की प्रोसेस होंगी, लोडिंग इंस्टॉलेशन होगा, और उसके बाद आपको रिबूट नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप रिबूट करेंगे, आपको आपका पीसी शट डाउन होगा और फिर से रिस्टार्ट होगा। तभी आपको दो ऑप्शन आएंगे, अगर आपके इसमें विंडोज़ 7 या 10 जो भी है वो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, और सेकंड रिमिक्स ओएस आएगा। जैसे आप रिमिक्स ओएस पे, वहाँ पे सिर्फ एंटर और एरो कीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो एरो कीज़ से डाउन ले लेना और रिमिक्स ओएस सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सिस्टम फर्स्ट बूट होती है, तो थोड़ा टाइम लेती है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वेट करना है। सिस्टम अपने आप पूरा सेटअप कर लेती है, और फिर जैसे आप मोबाइल नया मोबाइल लेते से लैंग्वेज वगैरह सिलेक्ट करनी पड़ती है, बस वैसे ही आपको लैंग्वेज वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपके पीसी में पूरा एंड्रॉयड इम्यूलेटर की जैसे आप यूज़ कर पाएंगे, उसमें आपको पबजी इंस्टॉल करना पड़ेगा और आप इजीली उसमें प्ले कर पाएंगे। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर मुझे DM कर सकते हैं। मैं पूरी प्रोसेस का एक वीडियो है मेरे पास, वो मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा। वो यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते ड्यू टू सम यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस, इसलिए आप मुझे DM करके वो लिंक ले सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।